डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। राजस्थान की राजनीति का नया जादूगर कौन है? कोई कह रहा है तुम्हें खान दे सकता हूँ, कोई कह रहा है तुम्हें जमीन के पट्टे दे सकता हूँ, फिर भी वह कह रहा है मैं पायलट कहें तो जान दे सकता हूँ। कोई कह रहा है किसी पूर्व महाराज को कि तुम्हारा राजमहल बचा दूंगा, फिर भी वह सब कुछ दांव पर लगाकर पायलट के दर पर नजर आ रहा है। कोई अपने राजनीतिक पारी की गोधूली बेला में कह रहा है कि पायलट कहें तो सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, छठी बार विधायक रहे और अपने नैतिकता के तकाजे पर कई बार इस्तीफे की पेशकश करने वाले हेमाराम चौधरी आज सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत किए थे। इसीलिए सवाल उठता है कि राजस्थान के राजनीति का नया जादूगर कौन है? पूरी तरह से सरकार हर तरफ से लगी हुई है कि किसी भी तरह से पायलट गुट के विधायकों को तोड़ दें। ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि लगातार सत्ता के तरफ से नेता पायलट गुट के विधायकों को संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए। कितने भी समझा ले रहे हैं, कितना भी मीटिंग करा ले रहे हैं, मगर लौट के जब वो आते हैं तो उनके ख्वाबों में सचिन पायलट नजर आता है। इसीलिए कहा जा रहा है क्या सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के नए चुंबक बन गए हैं? जोड़ फेविकोल की तरह है जो टूट नहीं रही है सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद। अब देखिए, ऐसा हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए हुए विधायकों को संपर्क किया गया और कहा गया कि जो कुछ राजस्थान की राजनीति में पायलट गुट के तरफ से चल रहा है उस पर जवाब दें। उन्होंने मना कर दिया। यहां तक कहा गया कि कुछ नहीं कह सकते तो इतना ही कह दे कि कोरोना में कितना शानदार प्रबंधन किए हैं। उन्होंने फिर भी मना कर दिया। दरअसल सरकार के कामकाज की तारीफ करना पायलट के साथ निष्ठा बदल देना नहीं है। यह कांग्रेस के विधायक हैं और कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर ही जीत कर आए हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का साथ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पायलट का साथ छोड़ रहे हैं। इस तरह से अफवाहें फैलाकर, खबरें प्लांट करके सरकार कुछ हासिल नहीं कर सकती है। देखिए, जितनी ऊर्जा पायलट गुट के विधायकों को तोड़ने में लगाया जा रहा है, उसका रत्ती भर अगर पायलट को सम्मान देने में लगा दिया जाए तो राजस्थान की राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है वो सब खत्म हो सकता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, इस सत्ता का संस्कार अहंकारी होता है और अहंकार हर तरफ से रास्ते तलाशता है अपनी संतुष्टि के लिए, दुनिया की संतुष्टि के लिए नहीं, समाज की संतुष्टि के लिए नहीं, और अपनी संतुष्टि में वह इतना दूर निकल जाता है कि भूल जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की बागाडोर संभालने वाले नेताओं के साथ यही हो रहा हो। अब कहा जा रहा है कि जो कुछ राजस्थान की राजनीति में हो रहा है उसका अंत क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के संपर्क में है, गांधी परिवार के लोग भी सचिन पायलट के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सुलह के संकेत दे रहे हैं, अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करेंगे, डोटासरा 2 दिन दिल्ली रहेंगे। कहा जा रहा है जून जुलाई में ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा, राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी। डोटासरा फिलहाल जिला अध्यक्षों की सूची लेकर दिल्ली गए हैं, 2 दिन दिल्ली रहेंगे, वहां पर अजय माकन से बातचीत करेंगे। दरअसल अजय माकन चाहते हैं समस्या का हल निकालना, लेकिन वो भी मजबूर हैं ऐसा कहा जा रहा है। अब गांधी परिवार बीच में पड़ने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा कर जून जुलाई में राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को खत्म कर अगस्त में कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी और सचिन पायलट को भी सम्मानजनक पद दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस
किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहती है कि बीजेपी फायदा उठा ले, और इसी में कांग्रेस की भलाई भी है। उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहेगा। यह सब कुछ निर्भर करता है कि पिछली बार की तरह सचिन पायलट को कमजोर करने की कोशिश न की जाए। देखिए, सचिन पायलट का जो गुस्सा है वह काम न होने से ज्यादा इस बात को लेकर था कि जब मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था तो जितने विधायक पायलट के साथ थे उनमें से ज्यादातर लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, और जब इसकी सूचना पायलट को मिली तो धीरे धीरे उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इधर तोड़ के उधर लगा दें, उधर तोड़ के इधर लगा दें, इससे कोई फायदा नहीं होता है। आप एक दिन लेकर जाते हो, मुलाकात करवाते हो मुख्यमंत्री से, फिर खबरें छपवाते हो, फिर वह व्यक्ति पायलट के पास नजर आता है, तो इसमें किसका छालेदर हो रहा है? कांग्रेस का ही छीछा लेदर हो रहा है। इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।